हेलो स्टूडेंट्स कैसे बढ़िया फर्स्ट क्लास आज हम लोग अपने इनकम टैक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी सर बताइए कौन सा चैप्टर है अरे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आपने देख लिया होगा कौन सा चैप्टर कैपिटल गेन द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट जब भी अगर आप किसी में पहले भी यह बात 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 आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि विच चैप्टर्स आर टफेस्ट इन आर टैक्सीशन देन फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्ट टू पिक दीज टू चैप्टर्स इन आर इनिशियल स्टेज जब हमारा फर्स्ट फेज चल रहा होता है ना हेड्स ऑफ इनकम का तो उनके दिमाग में एक ही बात आती है पीजीबीपी और कैपिटल गेन सर बहुत टफ होता है समझ में नहीं आता और इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा सेक्शन और पॉइंट होते हैं कि दिमाग इधर का उधर और दिमाग की दही बन जाती है क्या बन जाती है दही बन जाती है तो डू नॉट वरी अबाउट दैट आई एल मेक आई एल मेक ऑल द कंसेप्ट क्लियर टू यू आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आई एम डैम श्योर चलिए देखते हैं कि क्या है ये कैपिटल गेन अगर आपको याद हो सर फिर से बता दीजिए याद तो हम लोग को कुछ नहीं रहता अगर मैं कहूँ अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने आपको फाइव हेड्स ऑफ इनकम बताए थे फर्स्ट बताया था फर्स्ट बताया था सैलरी यस सर सेकंड मैंने बताया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन नहीं सर थर्ड आपको बताना था पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस ये चैप्टर्स आपको बताने थे जिसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं दिस इज आर फोर्थ हेड ऑफ इनकम एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसा कि आप लोगों को पीजीबीपी पढ़ने के बाद एहसास हुआ होगा <laughs> कि हमारा इनकम टैक्स बेसिकली है क्या किस खेत की चिड़िया का नाम है इसी तरह जब आप कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये किस खेत की चिड़िया का नाम है कैपिटल गेन की अगर मैं बात बोलूँ तो आ, दोनों में फ़र्क है पी सर उतना ही लंबा चौड़ा है जितना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है पी वाज डिवाइडेड इन शॉर्ट टॉपिक्स आपको थर्टी फाइव ए बी पढ़ना था ए बी बी पढ़ना था थर्टी फाइव ए सी पढ़ना था ए डी पढ़ना था थर्टी फाइव पढ़ना था थर्टी फाइव डी डी ए पढ़ना था थर्टी फाइव डी पढ़ना था डी डी पढ़ना था मीन्स ये सारा पूरा का पूरा जो एक हेड ऑफ इनकम था ना पीजीबीपी का दैट वाज डिवाइडेड इन स्मॉल पोर्शन अगर आप कभी एक क्लास मिस भी कर देते थे तो मुझे नहीं लगता उतनी दिक्कत आपको नेक्स्ट सेशन में आती नेक्स्ट क्लास में दैट दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव सीन ऑलरेडी इन आर पीजीबीपी चैप्टर बट राइट नो विच द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू कवर इसमें उतने सेक्शंस नहीं हैं जितने हम लोगों ने वहां पर देखे किसमें पीजीबीपी में लेकिन यहां एक खास बात यह है कि एक दूसरा सेक्शन आपस में इंटरलिंक्ड है जब हम फोर्टी वन पढ़ेंगे तो उसके साथ पांच और सेक्शंस जिसके पीछे पूरी एक से दो क्लास चलेगी फोर्टी फाइव वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से पूरे सेक्शंस आएंगे वो इंटरलिंक्ड होंगे और ये सेक्शन किसी दूसरे सेक्शन से इंटरलिंक्ड होंगे तो ये खास बात है कि अगर आपका कोई एक सेक्शन बीच में स्किप हो जाता है छूट जाता है तो ये आपके लिए थोड़ी मुसीबत का, का काम बन सकता है तो कोशिश करके कोई भी मिड सेशन ना छोड़ें ट्राई टू कंप्लीट ऑल द सेशंस लाइन बाय लाइन ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा रहे और यह चैप्टर ग्रिप में आए तो दोनों चैप्टर में आपको जमीन आसमान का फर्क ये एक तो समझ में आया होगा चलिए स्टार्ट करें कैपिटल गेन यस सर कहता है कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है तो कैपिटल गेन अराइज होगा क्या बोला अगर आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है तो कैपिटल गेन अराइज होगा ये तो आप दिमाग में बात सेट कर लें मैं फिर बोलता हूं एक बार इफ यू हैव ट्रांसफर्ड एनी कैपिटल एसेट मींस दीज टू मींस इंग्रेडिएंट्स आर इंपॉर्टेंट अंडर द चार्जिंग सेक्शन अभी हम चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये देखेंगे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं द फर्स्ट वन कैपिटल एसेट द सेकेंड वन ट्रांसफ़र अगर ये दो चीज़ें क्लियर हैं और इन दो चीज़ों का एग्जिस्टेंस है तो कैपिटल गेन अराइज होगा कैपिटल एसेट नहीं है ट्रांसफर है तो कैपिटल गेन नहीं होगा मेरी बात समझें मैं कहता हूं कैपिटल एसेट है लेकिन ट्रांसफर नहीं है तो भी कैपिटल गेन नहीं होगा कैपिटल गेन तब अराइज होगा जब कैपिटल एसेट भी हो और ट्रांसफर हो तभी कैपिटल गेन अराइज होगा इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीडेड टू नो टू की वर्ड्स फर्स्ट कैपिटल एसेट सेकंड ट्रांसफर अगर हम इन दो शब्दों को जान लें ऑपरेशन अगर इनका कर लें तो हमारे लिए कैपिटल गेन समझना बड़ा आसान होगा जरा देखते हैं क्या है चार्जिंग सेक्शन सेक्शन फोर्टी फाइव वन एनी प्रॉफिट और गेन ओके ट्रांसफर ऑफ वॉट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ओके दो चीजें तो मैंने आपको बताई ना शेल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टू प्लेस ये तो आपने बताया नहीं देखो नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं जिस साल प्रॉफिट अराइज होता है उसी साल उस पर टैक्स लगता है तो एनी कैप एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बट ऑब्वियस है यहाँ पर हम केवल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं बोलो मेरे संग बोलो मेरे संग क्या मैंने कहा हम केवल प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर किसकी बात नहीं कर रहे लॉस की दिमाग मत खराब करो दिमाग मत खराब करो मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है कि इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट में नाम इनकम है लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इनकम शामिल होती है इज इट क्लियर दूसरा मैंने आपको बताया गेन बोला जाता है लेकिन इसमें पॉजिटिव और निगेटिव गेन दोनों शामिल होता है तो ये चीज बिल्कुल याद रखेंगे एनी प्रॉफिट एनी प्रॉफिट तो प्रॉफिट का मतलब यहां पर सर आप दोनों चीजों से लेंगे पॉजिटिव प्रॉफिट एज वेल एज निगेटिव प्रॉफिट यस हम दोनों प्रॉफिट्स को पिक करते हैं दोनों गेंस और दोनों टाइप्स की इनकम को पिक करते हैं यहां पर निगेटिव एटीट्यूड और एस्पेक्ट लाने की बात नहीं है प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस इनकम इंक्लूड्स निगेटिव इनकम गेन इंक्लूड्स निगेटिव गेन तो अब मैं बोलूँ यस सर एनी प्रॉफिट इट मीन्स आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लॉसेज टू एनी प्रॉफिट अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर जिस साल ऐसा कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा उसी साल आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा जिस साल ऐसे कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा उसी साल आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बोलिए हाँ या ना सर बिल्कुल क्लियर है मैं यहां पर आपको केवल रिमाइंड करवा रहा हूं मेरा कोई इंटेंशन नहीं रटवाना Any profit or gain arising from transfer of a capital asset shall be charged to tax.

सर ये दो वर्ड्स का मीनिंग बता दीजिए जी अगर हम बात करें कि इस वर्ड का जो मीनिंग है ट्रांसफर तो ट्रांसफर को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी सेवन में और कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन टू फोर्टीन में ये डेफिनेशन पार्ट है दोनों की डेफिनेशन देखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू नो ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर एंड अ कैपिटल एसेट जब हम इन दोनों के बारे में डेफिनेशन जान जाएंगे तो हम लोग को यह समझने में आसानी होगी किन किन कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने पर टैक्स लगता है जी सर चल सकते हैं कैपिटल एसेट मीन्स ढंग से सुनेंगे यहां से अब आपकी लड़ाई शुरू होती है अब आपको इस चैप्टर के अंदर धीरे धीरे करके हम एंटर करवाएंगे और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे क्या कहता है कैपिटल कैपिटल एसेट एसेट एनी काइंड ऑफ और इमुएबल प्रॉपर्टी किसी भी तरह की मूवेबल और किसी भी तरह की इमुएबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एनी काइंड का चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो सोचो कितनी बड़ी बात बोल दिया जब हम कैपिटल एसेट की बात करते हैं तो कहता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमुएबल हो चाहे वो कनेक्टेड विद बिजनेस हो नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस हो यानी पर्सनल एसेट्स भी इसमें आती हैं देखेंगे पर्सनल इफेक्ट्स नहीं पर्सनल भी इसमें आती हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी द बिजनेस ऑफ द एस एस और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एस एस दोनों चीजें शामिल होंगी वो कैपिटल एसेट कहलाएगी ये कैपिटल एसेट कहलाएगी और साथ ही साथ एक स्पेशल पॉइंट ऐड किया गया है कैपिटल एसेट में कोई भी सिक्योरिटी जो एक फ़ॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने पास रखता है वो भी कैपिटल एसेट होती है अगर अब मैं आपको इस तरह से बोलूं अगर मैं आपको इस तरह से बोलूं कि कैपिटल एसेट क्या होती है तो मैं कहूंगा कि इसको आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं पहला पार्ट होता है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इसमें आप लिखेंगे चाहे वो मूवेबल हो और चाहे वो इमूएबल हो चाहे वो रिलेटेड विद बिजनेस हो चाहे वो नॉट रिलेटेड विद बिजनेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता ये सारी एसेट्स हमारी कैपिटल एसेट कहलाती हैं ये सारी एसेट्स हमारी कैपिटल एसेट्स कहलाती हैं दूसरा कहा गया सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज अ एसेट और एज अ स्टॉक इन ट्रेड सोचो कितनी बड़ी बात बोल दिया मैंने मैंने ये बोला कि वो सिक्योरिटीज अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने पास स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखेगा तो भी हम उसको कैपिटल एसेट मानेंगे सर फर्क क्या आपने तो यहां पर भी बोला था एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल तो यहां पर भी तो स्टॉक इन ट्रेड आएगा ना अभी मेरी बात खत्म नहीं अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है आगे देखिए लिखा है कि ये वो कैपिटल एसेट हैं ये वो एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट नहीं है क्या बोला कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होता नॉट टू इंक्लूड यानी कैपिटल एसेट में क्या क्या शामिल नहीं होता पहला स्टॉक एंड ट्रेड इसको हम भूल जाते हैं ये वाला हिस्सा हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं ये जो सामने दिख रहा है ना सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफ इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं वापस आते हैं इधर कि कोई भी प्रॉपर्टी हो चाहे वो मोएबल हो चाहे वो इमोएबल हो चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमुएबल हो वो हमारी कैपिटल एसेट कहलाती है लेकिन इसमें शामिल नहीं है स्टॉक इन ट्रेड लेकिन इसमें शामिल नहीं है स्टॉक इन ट्रेड यानी स्टॉक इन ट्रेड अगर हमारा है तो सर स्टॉक इन ट्रेड से तो पीजीपीपी अराइज पी होता है ओ हो, दस हजार के स्टॉक अगर आपने बारह हजार दस हजार का स्टॉक नौ हजार में सेल कर दिया बारह हजार में सेल कर दिया वॉट द प्रॉफिट और गेन शैल अराइज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दीजीबीपी एंड नॉट अंडर दैपिटल गेन द सेम अमाउंट ऑफ इनकम कैन नॉट भी टैक्स वाइस हाँ या ना एक ही इनकम दो बार दो जगह टैक्स नहीं लग सकता सिंगल टैक्सेशन सिंगल पॉइंट है ये तो यहां पर अगर हमारा पीजीबीपी अराइज हो रहा है तो भैया कैपिटल गेन में क्यों जाओगे बात तो बिल्कुल सही है इसलिए स्टॉक इंटरेस्ट को हटाया गया पहला दूसरा कहा गया एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चरल लैंड जो रूरल लैंड हो क्या हो यानी अर्बन लैंड को नहीं शामिल किया गया है गांव में होगी एग्रीकल्चरल लैंड उसको माफ कर दिया गया एग्रीकल्चरल लैंड को अगर आप ट्रांसफर करते हो तो उस पर कैपिटल गेन गेनराइज नहीं होगा अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पर कोई कैपिटल गेनराइज नहीं होगा फिर से बोलूं क्या अगर आपके पास स्टॉक ट्रेड है ट्रांजेक्शन करिए वॉट द प्रोफिट ऑर्गेनश अराइज from transfer of the cash stock in trade shall be charged to tax under the head pgbp in the same way if you have a agricultural land which is situated in urban urban rural area shall not be charged to tax under the head capital gain koi fark nahi padta capital gain mein aayega hi nahi uska profit भले ही agricultural land है लेकिन उसका profit हमारा कहाँ नहीं आएगा सर यहाँ नहीं आएगा capital gain में और stock इन ट्रेड को transfer करने पर तो पीजीबीपी अराइज होता है तीसरा का पर्सनल इफ़ेक्ट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर्सनल इफ़ेक्ट्स को ट्रांसफर करने पर आपका कैपिटल गेनर राइज नहीं होगा सर सर पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या है नाम से ही पता चलता होगा व्यक्तिगत चीजें पर्सनल चीजें जैसे मैंने ये कपड़े पहने हैं दीज आर माई पर्सनल इफेक्ट हां भाई ये हमारा पर्सनल इफेक्ट है ये जो हम लोग खाने पीने के बर्तन होते हैं ग्लास चम्मच कटोरी थाली घर का पंखा फ्रिज एसी कूलर ये मेरे पर्सनल इफेक्ट्स हैं मोटरसाइकिल कार ये मेरे पर्सनल इफेक्ट्स हैं यानी जो घर की छोटी मोटी चीजें होती हैं जो पर्सनली यूज की जाती हैं वो मेरी पर्सनल इफेक्ट्स हैं लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग कभी भी पर्सनल इफेक्ट नहीं हो सकता आपका घर आप रहते हो तो भी वो पर्सनल इफेक्ट नहीं होगा वो पर्सनल इफेक्ट नहीं होगा ज्वेलरी 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 वो आपके पर्सनल इफेक्ट नहीं होंगे तो गवर्नमेंट ने कहा पर्सनल इफेक्ट ठीक है आप उनको मानिए पर्सनल इफेक्ट को कैपिटल एसेट मत मानिए उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरे पास मेरी स्कूटर है मोटरसाइकिल है मैंने वो बाइक ट्रांसफर कर दी नो कैपिटल इंशेलराइज बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द पर्सनल इफेक्ट एंड पर्सनल इफेक्ट हमारी कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होता यह है नॉट टू इंक्लूड वॉट पर्सनल इफैक्ट तो पर्सनल इफैक्ट मेरी जो पर्सनल चीज़ें वो शामिल नहीं होंगी इसमें गवर्नमेंट कहाँ तक टैक्स लगाएगी भाई हमको आप बताइए कहाँ तक टैक्स लगाएगी एक कूलर मेरे घर पे पड़ा हुआ मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया सेल कर दिया किसी दूसरे को मुझे नया कूलर चाहिए था अब गवर्नमेंट कहेगी कूलर बेच दिया सौ रुपया दो सौ रुपया रुपय लाओ टैक्स कार्य भैया नहीं हो सकता ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग पर टैक्स लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ज्वेलरी पर टैक्स लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो चीजें हैं इसमें हम आगे फिर लिख देते हैं बट नॉट टू इंक्लूड फिर इसमें भी ना में ना ना करते अरे ना ना कर दो ना एक हाँ हो जाती है दो ना मिलकर एक हाँ हो जाती है माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है तो इसी तरह ये ना और दूसरी ना मिल करके दो ना मिलकर के वापस यहां पर आ गए हाँ में चले गए कि हाँ ये पर्सनल इफेक्ट हो, होते हुए भी कैपिटल एसेट माने जाएंगे सर कौन कौन सी चीजें हैं पहला है ज्वेलरी दूसरा है आपका ड्राइंग पेंटिंग आर्टवर्क आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन स्कल्पचर्स ये हमारी ज्वेलरी एच ड्राइंग, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट ये हमारे पर्सनल इफ़ेक्ट नहीं होते ये हमारे पर्सनल इफेक्ट्स नहीं होते दैट्स इट ये याद रखना मैंने अभी तक आपको क्या बोला सर आपने बोला ना कि कैपिटल एसेट को दो पार्ट में तोड़ना है पहला आपने बताया कैपिटल एसेट चाहे वो किसी भी तरह की एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हो मूवल हो इमूबल हो चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हमारी कैपिटल एसेट होती है ठीक है इतना आपने बताया दूसरा पार्ट मैंने छोड़ दिया मैंने कहा नॉट टू इंक्लूड इसमें शामिल मत करो कैपिटल एसेट मत मानो इन इन चीज़ों को एग्रीकल्चरल लैंड अगर वो रूरल एरिया में एग्जिस्ट करती है तो उसको आप कैपिटल एसेट मत मानो अगर आपके पास स्टॉक इन ट्रेड है तो उसको आप कैपिटल एसेट मत मानो अगर आपके पास पर्सनल इफेक्ट है तो आप उसको कैपिटल एसेट मत मानो लेकिन पर्सनल इफेक्ट में शामिल नहीं होगा ज्वेलरी इसका मतलब ये कैपिटल एसेट है पर्सनल इफेक्ट में शामिल नहीं होगा आर्ट वर्क डिज़ाइन साइंटिफिक वर्क ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर्स आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन ये हमारा पर्सनल इफेक्ट में अब देखो ना एक आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग बनाई अब वो पेंटिंग बनाई फिफ्टी लैक्स में सेल कर रहा है क्या एक जमीन एक जमीन की कीमत दस बीस तीस चालीस पचास लाख करोड़ तक जाती है उसी तरह एक पेंटिंग की भी कीमत बीस लाख तीस लाख चालीस लाख शौक है भाई बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक़ हैं तो एक आर्ट वर्क है पेंटिंग है ड्राइंग है दस लाख बीस लाख पच्चीस लाख तीस लाख सेल होती है और लोग खरीदने वाले उसको बाय करते हैं कुछ दिखता होगा उसमें <laughs> चलो तो ये हमारे पर्सनल इफेक्ट्स होते हुए भी शामिल नहीं होंगे पक्की बात है ये हमारी कैपिटल एसेट मानी जाएंगी यानी कोई मैं पेंटिंग ट्रांसफर कर रहा हूं उस पर होने वाला गेन हमारा कैपिटल गेन में जाएगा मैंने कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन की कोई चीज ट्रांसफर की तो उस पर होने वाला गेन हमारा कैपिटल गेन में जाएगा अच्छा इसके अलावा स्पेशल बियर बॉन्ड साढ़े छह परसेंट गोल्ड बॉन्ड सेवन परसेंट गोल्ड बॉन्ड स्पेशल बियर बॉन्ड यह हमारा कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा नहीं माना जाएगा सिक्स एंड हाफ परसेंट गोल्ड बॉन्ड सेवन परसेंट नेशनल डिफेंस बॉन्ड यह हमारी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएंगी देखिए ना 6.5% गोल्ड बॉन्ड सेवन परसेंट नेशनल डिफेंस सेवन परसेंट गोल्ड बॉन्ड एंड नेशनल डिफेंस बॉन्ड सॉरी 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 यहां पर कुछ नहीं है नेशनल डिफेंस बॉन्ड ठीक है ना ये हमारे हैं जिनको हम नहीं मानेंगे कैपिटल एसेट तो सर कैपिटल एसेट में किस किस को आपने हटाया एग्रीकल्चरल लैंड आपने कैपिटल एसेट से किस किस को हटाया स्टॉक इन ट्रेड पर्सनल इफेक्ट 6.5 परसेंट गोल्ड बॉन्ड 7 परसेंट गोल्ड बॉन्ड स्पेशल बीरर बॉन्ड एंड नेशनल डिफेंस बॉन्ड इन्हीं को मैंने हटाया है इनको आपने किनारे कर दिया ये आपकी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएंगी नहीं मानी जाएंगी इसका मतलब अगर कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएंगी और उनका अगर आप ट्रांसफर कर भी देते हैं तो भी हमारा कैपिटल गेन नहीं होगा क्योंकि कैपिटल गेन होने के लिए कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना जरूरी है तो कौन कौन सी चीजें कैपिटल एसेट नहीं मानी गई सर एग्रीकल्चरल लैंड अगर वो रूरल एरिया में अभी हमको देखना है क्या मतलब है इसका स्टॉक इन ट्रेड पर्सनल इफेक्ट पर्सनल इफेक्ट में क्या क्या शामिल नहीं है वो आपने देखा नहीं वो कैपिटल एसेट एसेट में आ जाएंगे यानी पर्सनल इफेक्ट नॉर्मली हमारा कैपिटल नहीं होता सिक्स परसेंट गोल्ड बॉन्ड स्पेशलर बॉन्ड नेशनल डिफेंस बॉन्ड अच्छा पर्सनल इफेक्ट में क्या क्या शामिल नहीं है सर ज्वेलरी सर पेंटिंग आर्टवर्क ड्रॉइंग स्कल्पचर्स एंड लास्ट वन आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन की चीज ये हमारी कैपिटल एसेट मानी जाएंगी ठीक है ना वापस आ गए अगर इतनी चीजें क्लियर हैं तो अब हम दो चीजें देखते हैं एक तो सर हमें आप ये बताइए ज्वेलरी का मतलब क्या होता है सर ज्वेलरी मीन्स वेरी इजी जो हमने मैंने नहीं जो हम लोग झुमके पायल नक चेन बैंगल्स पहनते हैं ना ये हमारे ज्वेलरी होती है इसी को तो आप ज्वेलरी कहते हैं अरे हाँ या ना हाँ सर इसी को ज्वेलरी कहते हैं अच्छा पक्का मेरा ये माउस ज्वेलरी है मेरा ये माउस ज्वेलरी है सर ऐसे कैसे माउस ज्वेलरी होगा ये जो देख रहे हो ना ये जो लाइट है ना जिसमें लाइट लगी हुई है ये गोल्ड प्लेटेड है ये गोल्ड प्लेटेड है ये मेरा ज्वेलरी है सर मजाक कर रहे हैं नहीं भाई मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा ये ये जो आपको नग दिख रहा है ना ये ये डायमंड का बना हुआ है प्योर डायमंड का बना हुआ है सर आप मजाक कर रहे हैं अरे हाँ भाई क्यों मजाक करेंगे ये जो मेरी घड़ी है ना ये 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 देखो ना गोल्ड प्लेटेड है ये जिसकी चेन है ना गोल्ड प्लेटेड है ये मेरी ज्वेलरी है नाउ दिस इज नॉट वॉच आप नहीं कह सकते ये मेरा जो कोट है ना इस कोट पर कुछ है हाँ ये जो लाइंस आपको शायद नहीं दिख रही होंगी छोटी छोटी ये आ, जो होती है ना जरी किया गया है गोल्ड और सिल्वर से जरी किया गया है इसमें जो डिजाइन बनी हुई है तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल वियरिंग दिस इज योर ज्वेलरी मैंने कोट नहीं पहना मैंने ज्वेलरी पहनी है बात समझा ये जो फर्नीचर है ना जो जो ये फर्नीचर जिस पर रख कर मैं काम कर रहा हूँ इसके नीचे का जो हिस्सा है ना वो चांदी का मैंने बनवाया पता नहीं क्यों तो ये भी हमारा ज्वेलरी है ये ज्वेलरी है इसको पहन के तो नहीं घूमते आप आपने थोड़ी देर पहले कहा ये सारी चीज़ें ज्वेलरी है दिस इज़ नॉट ज्वेलरी बट दिस इज ज्वेलरी स्टिल बट यू कैन नॉट वी देम आप उनको पहन नहीं सकते तो ज्वेलरी दो तरह की होती हैं ज्वेलरी दो तरह की होती हैं एक जो गोल्ड बार होते हैं गोल्ड ब्रिक्स होती हैं एलम सिल्वर ब्रिक्स या सिल्वर बार्स होते हैं ईंट वो भी हमारी ज्वेलरी होती है लेकिन आप उसको ये नहीं सिल्वर ब्रिक पहन करके घूमें और कहें ये हमारा ज्वेलरी है वो ज्वेलरी नहीं है है वो ज्वेलरी का ही हिस्सा लेकिन वो ऑर्नामेंट्स नहीं है तो जो हम लोग पहनते है न, तो हैं, हैं, गिरूर्ये। गिरूर्ये है। तो हैं ना तो उसको हम कहते हैं ऑर्नामेंट्स दैट तो इज द पार्ट ऑफ द ज्वेलरी उसको हम कहते हैं ऑर्नामेंट्स हिंदी में कहते हैं आभूषण चलिए तो ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स एंड नॉन ऑर्नामेंट्स दोनों चीज़ें शामिल होंगी तो ज्वेलरी में क्या है अगर गोल्ड बार दिख जाए गोल्ड की ब्रिक दिख जाए तो आप कहेंगे वो ज्वेलरी है ज्वेलरी हाँ भाई ज्वेलरी है अब तक आप ये सोचते थे ज्वेलरी का मतलब तो जिसको पहनते हैं ना भैया वो गोल्ड बार है वो ज्वेलरी है मेरी मोबाइल का जो कवर है ना ऊपर वाला कवर फ्लिप कवर वो वो ना गोल्ड प्लेटेड है तो वो भी ज्वेलरी है तो ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी को आप दो पार्ट में बांटेंगे ऑर्नामेंट्स एंड नॉन ऑर्नामेंट्स ऑर्नामेंट्स जो आप आभूषण पहनते हो नॉन ऑर्नामेंट्स जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए

और एनी अलग कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीशियस मेटल वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन चाहे उसमें कीमती पत्थर पत्थर नीलम का पत्थर मोंगा का पत्थर महंगे महंगे जो पत्थर होते हैं स्टोन चाहे वो उस पर लगे हुए हों या ना लगे हों चाहे किसी बियरिंग अपेरल में चाहे वो किसी यूटेंसिल्स में तो ऑर्नामेंट्स कोई भी ऑर्नामेंट्स मेड है किससे गोल्ड से सिल्वर से प्लेटिनम में या इन सब के चीज़ों के मिक्सअप से या फिर कोई ऐसा सामान कोई भी ऐसी चीज जो इन चीजों के प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन से मिलाकर बनाई गई है चाहे उनको किसी बर्तन में या किसी कपड़े में सील करके सीव करके रखा गया है ठीक है तो वो भी हमारा ज्वेलरी हो जाएगा वो भी हमारा ज्वेलरी हो जाएगा मान लो हमने कोई एक साड़ी खरीदी बनारसी साड़ी और उस वो साड़ी में क्या है वो जरी की हुई है पूरी की पूरी साड़ी गोल्ड और सिल्वर से तो वो क्या है वो साड़ी साड़ी नहीं वो क्या है ज्वेलरी बन जाएगी क्या बन जाएगी तब वो पर्सनल इफेक्ट नहीं है तब वो कैपिटल एसेट बन जाएगी तब वो पर्सनल इफेक्ट नहीं कहलाएगी तब वो कैपिटल एसेट अदरवाइज हम लोग के नॉर्मल पहनने के कपड़े क्या होते हैं सर पर्सनल इफेक्ट क्या उसको ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन गेराराइज होता है नहीं होता है लेकिन उस साड़ी को अगर ट्रांसफर है तो करें जो जिसमें जरी की गई है ज्वेलरी जरी की गई है आपकी गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह का तो सर वो मान लिया जाएगा आपका क्या ज्वेलरी दूसरा प्रिशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन वेदर और सेट इन फर्नीचर यूटेंसिल्स और एनी अदर आर्टिकल वही मैंने बताया अगर आप किसी स्टोन को या किसी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन को आ, किसी कपड़े में बर्तन में या किसी सामान के साथ जड़ देते हैं या उसको अटैच कर देते हैं फर्नीचर वगैरह के साथ तो फर्नीचर वगैरह भी आपका ज्वेलरी की कैटेगरी में आएगा तो फर्नीचर ट्रांसफर करेंगे तो आप फर्नीचर नहीं ट्रांसफर करेंगे यू आर ट्रांसफरिंग अ ज्वेलरी एंड दिस इज अ कैपिटल एसेट एंड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ द ज्वेलरी कैपिटल गेन शैल राइज ओके गॉट इट ये तो सर समझ में आ गया अभी तक जो मैंने आपको बताया अगर मैं एक बार समप करूं, तो क्या समझ में आया देखा जाए मैंने कहा कि कैपिटल गेन किसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पर अराइज होता है कैपिटल एसेट सेक्शन टू सब सेक्शन फोर्टी सॉरी 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 फोर्टीन ओके ये था आपका चार्जिंग सेक्शन टू सेक्शन फोर्टी फाइव वन में अच्छा और ट्रांसफर को जो डिफाइन किया गया वो डिफाइन किया गया सेक्शन टू सब सेक्शन फोर्टी सेवन तो ये तीन सेक्शन याद रहेंगे कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन फोर्टी फाइव सब सेक्शन वन कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन टू क्लॉज फोर्टीन एंड ट्रांसफर की डेफिनेशन सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी सेवन कैपिटल एसेट में कहा गया ऑल टाइप्स ऑफ एसेट ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो चाहे वो बिजनेस से रिलेट करती हो चाहे वो बिजनेस से रिलेट नहीं करती वो हमारी कैपिटल एसेट मानी चाहिए यहाँ तक तो क्लियर लेकिन इसमें कहा गया था नॉट टू इंक्लूड क्या शामिल नहीं करेंगे पहला बताया गया था एग्रीकल्चरल लैंड उसको अभी देखना बाकी है दूसरा स्टॉक इन ट्रेड ठीक है पर्सनल इफेक्ट उसको देखना बाकी है ये देख लिया देख लिया फोर्थ स्टॉक इन ट्रेड के बाद पर्सनल इफेक्ट के बाद सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट गोल्ड बॉन्ड्स 7 परसेंट गोल्ड बॉन्ड्स नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स एंड स्पेशल बीर बॉन्ड अच्छा ये वो बॉन्ड्स हैं जो गवर्नमेंट आपसे कहती है पैसा दे दो ना अगर आपके पास कुछ गोल्ड वगैरह पड़ा है कुछ पैसा दे दो नहीं। इदर इदर ना इधर इधर थोड़ा ढीला करो ना अपनी जब गोल्ड रखे हो घर पे और वो जो गोल्ड घर पे रखे हो वो देश की हित में या सेवा में नहीं यूज हो रहा वट एवर द गोल्ड यू हैव स्टोर्ड इन योर लॉकर ट्राई टू रिलीज इट जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे और गवर्नमेंट के पास भेजेंगे गवर्नमेंट हैव अ सफिशियंट गोल्ड रिजर्व और जैसे ही गवर्नमेंट के पास रिजर्व आएगा हमारी मुद्रा और ताकतवर बनेगी गवर्नमेंट को और पैसे लिक्विडिटी मिल जाती है तो गवर्नमेंट इन चीजों से काम करती है चलिए बात की बात है पर्सनल इफेक्ट नॉट टू इंक्लूड अब पर्सनल इफेक्ट में कहा गया ये चीजें शामिल नहीं होंगी क्या क्या शामिल नहीं होगा पर्सनल इफेक्ट में ज्वेलरी अके ड्रॉइंग आर्टवर्क पेंटिंग स्कल्पचर्स एंड आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन यानी ये हमारी वापस क्या मान ली जाएंगी ये कैपिटल एसेट मान ली जाएंगी बात है मैंने इसमें आपको यह बताया कि जो ज्वेलरी होती है वो ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में होती है और नॉन ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में होती है यही तो बताया चाहे ज्वेलरी नॉर्मल हो पहनने के काम आती हो चाहे वो किसी फर्नीचर बर्तन या फिर किसी आर्टिकल के साथ फर्नीचर के साथ अटैच कर दी गई हो तो भी वो ज्वेलरी मान लिया जाता है और उसके ट्रांसफर पर कैपिटल गेन अराइज हो जाता है ये सारी चीज़ें क्लियर हैं अभी तक इतना ही बताया अब हमारे सामने एक समस्या आती है सर आपने कहा पर्सनल इफ़ेक्ट तो पर्सनल इफेक्ट में जैसे हमारे पहनने के कपड़े हो गए खाने के बर्तन हो गए घर पे जो फर्नीचर यूज़ होता है वो हो गया कार हो गई पर्सनल आइटम्स कैमरा ये वाला कैमरा नहीं जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दिस इज माई बिजनेस कैमरा ठीक है ना दिस इज अ कैपिटल एसेट टू मी बट द कैमरा विच यू आर यूजिंग फॉर पर्सनल यूज एट योर होम दिस इज योर पर्सनल इफेक्ट क्लियर मोटरसाइकिल्स हो गई कर्टेंस हो गए अलमीरा हो गई ए सी हो गया फ्रिज हो गया कूलर हो गया दीज आर द पर्सनल इफेक्ट सर मेरे पास कार है घर पे सर okay. जो कार है ना वो बी मर्सिडीज़ है, है तो ये जो पच्चीस पचास लाख एक करोड़ की कार है तो क्या वो पर्सनल इफेक्ट होंगी हाँ पर्सनल इफेक्ट होंगी ये वैल्यू पर डिसाइड नहीं करता कि कोई चीज महंगी है सस्ती है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को ये पचास लाख का आइटम है तो कैपिटल एसेट नहीं है ये एक करोड़ का है तो कैपिटल एसेट है गवर्नमेंट इज नॉट ट्राइंग टू बाई फर्केट ऑल दीज थिंग्स इन सच अ वे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से दैट वॉट एवर द थिंग्स यू आर यूजिंग फॉर योर ओन पर्सनल यूज दैट इज ओके दैट इज ओके दैट इज योर पर्सनल इफेक्ट एंड बाई ट्रांसफरिंग ऑफ द पर्सनल इफेक्ट वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनी कैपिटल गेन ऑन दैट इज इट क्लियर नाउ इसमें हमें नहीं लगता आपको कोई अभी तक कोई दिक्कत आ रही होगी सर अब जो बताइए आप सर अब मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं एग्रीकल्चरल लैंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इतनी चीजें हम लोगों ने कर ली एग्रीकल्चरल लैंड अगर वो अर्बन एरिया में है और वो अगर रूरल एरिया में है तो नॉट अ कैपिटल एसेट इट्स अ कैपिटल एसेट इसको अगर नो कैपिटल गेन कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा दोनों में फ़र्क समझिए सर ये आप कैसे बता सकते हैं कोई एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एरिया में है कोई एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में मेरी मेरी मेरा घर ना दिल्ली में है हाँ पे है दिल्ली में और कनॉट प्लेस पर है अच्छा आठ हज़ार स्क्वायर फिट का है घर कितने स्क्वायर फिट का सर कनॉट प्लेस पे वो भी आठ हज़ार स्क्वायर फिट हाँ दो हज़ार स्क्वायर फिट में ना मेरा मकान बना हुआ है सर और ये जो बाकी सिक्स थाउजेंड स्क्वायर फिट है ना मैं इस पर एग्रीकल्चरल या फार्मिंग एक्टिविटी करता हूँ तो क्या ये एग्रीकल्चरल लैंड दिख रही है क्या कॉन प्लेस के बीच में आपको नहीं नहीं बोलो हाँ अरे नहीं सर नहीं आप कुछ भी करिए ऐसे क्या होगा हर आदमी क्या कहेगा घर में थोड़ा हिस्सा छोड़ देगा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी शुरू कर देगा गवर्नमेंट को बोलेगा ये तो मेरी एग्रीकल्चरल जमीन है भैया तो ऐसे नहीं होता बाईफर्केशन इसके लिए सिस्टम बनाया गया है कहा गया अगर आपका मकान म्यूनसिपल बोर्ड और कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट के अंदर है अगर आपका मकान म्यूनसिपल बोर्ड और कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट के अंदर है और वहाँ की पॉपुलेशन टेन थाउजेंड से अधिक है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं माना जाएगा सर बिल्कुल नहीं समझ में आया चलिए एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर लेते हैं डिफाइन कर लेते हैं क्या है वो है ये आपका ये चार्ट याद रखेंगे आप इसके बाद ये डेफिनेशन आराम से तैयार हो जाएगी आपकी पहले तो ये याद रखें कि कोई भी जगह कोई भी एरिया जो म्युनिसिपल बोर्ड और कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट के अंदर है इन एनी एरिया विद इन द जुरिस्टिक्शन ऑफ अ अंसिपलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन टेन थाउजेंड अगर वहां की पॉपुलेशन दस हजार से अधिक है किसी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट के अंदर है कोई जमीन और वहां की पॉपुलेशन से अधिक है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहलाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी चीज ये चार्ट याद रखेंगे दो चीजें हैं एक तो पॉपुलेशन और एक है एरिया एक है पॉपुलेशन और एक है एरिया एक है पॉपुलेशन और एक है एरिया पॉपुलेशन अगर आप देखें तो ये है आपकी लोकल लिमिट यहां आप देखें तो लोकल लिमिट के बाहर दो किलोमीटर और एक्सटेंशन ये अगर आप देखें तो लोकल लिमिट के बाहर छः किलोमीटर यानी यहां से यहां तक ये छः किलोमीटर है और यहां से यहां तक ये आठ किलोमीटर है तो ये चीज़ आप याद रखेंगे मैंने जिस तरह से निशान लगाया है उसी तरह देखेंगे और ये बियॉन्ड एट किलोमीटर है तो फिलहाल एरिया हमको कैसे बाईफरकेट करना है ये मालूम है पॉपुलेशन अगर दस हज़ार तक है तो भैया ये एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानी जाएगी चाहे किसी भी एरिया में हो कहीं पर भी हो, अगर किसी म्युनिसपल बोर्ड और कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट के अंदर कोई जमीन है लेकिन उस म्युनसिपल बोर्ड का होना तो नहीं चाहिए पॉपुलेशन दस हजार से कम है तो भैया कोई भी जमीन होगी वो एग्रीकल्चरल लैंड होगी दस हजार से अधिक की पॉपुलेशन उस म्युनिसिपल बोर्ड की होनी जरूरी है लेकिन उस म्युनसिपल बोर्ड के बाहर जमीन है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है म्युनिसपल बोर्ड के बाहर जमीन है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन ज्यादा है, है, है तो इसका मतलब एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगी कितनी अगर म्यूनिसिपल बोर्ड के बाहर दो किलोमीटर और और वहां की वहां की पॉपुलेशन पूरी जीरो से लेकर दो किलोमीटर के अंदर तक की पॉपुलेशन दस हजार से अधिक और एक लाख तक है अगर दस हजार से अधिक और एक लाख तक है तो भी वो हमारी कैपिटल ऐसे ट्रीट कर ली जाएगी दस हजार से अधिक और एक लाख तक है तो लेकिन फिर पॉपुलेशन मैंने देखा कि चलो भाई दो किलोमीटर के बियॉन्ड चलते पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है छह किलोमीटर यानी कि लोकल लिमिट्स के बाहर छह किलोमीटर लोकल लिमिट्स और उसके बाहर के छह किलोमीटर लेकिन वहां की पॉपुलेशन पूरी की पूरी इतनी चीज की लोकल लिमिट प्लस छह किलोमीटर और पूरी लिमिट की पॉपुलेशन एक लाख से अधिक और दस लाख तक है तो भी भैया ये एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगी ये कैपिटल एसेट मानी जाएगी लोकल लिमिट के बाहर आठ किलोमीटर तक का दायरा सेट कर लो लोकल लिमिट के बाहर का आठ किलोमीटर तक का दायरा सेट कर लो और इस पूरे हिसाब किताब की पॉपुलेशन दस लाख से अधिक है तो भी वो एग्रीकल्चरल लैंड हमारी एग्रीकल्चरल नहीं मानी जाएगी और उसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे लोकल लिमिट के बाहर आठ किलोमीटर लोकल लिमिट से बाहर ये लोकल लिमिट है इसके बाहर आठ किलोमीटर तो एट किलोमीटर के बियॉन्ड अगर कोई जगह है तो भैया वो हमेशा एग्रीकल्चरल लैंड मानी जाएगी बियॉन्ड आठ किलोमीटर ऑलवेज अ एग्रीकल्चरल लैंड अगर हमारी लोकल लिमिट के अंदर कोई प्रॉपर्टी है एग्रीकल्चरल लैंड है और दस हजार से कम की पॉपुलेशन तो है तो एग्रीकल्चरल लैंड है दस हजार से अधिक की पॉपुलेशन है तो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है दो किलोमीटर अगर एक लाख तक की पॉपुलेशन है एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है छः 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 किलोमीटर तक की पॉपुलेशन अगर 10 लाख तक है तो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है 8 किलोमीटर तक की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है तो भी वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है 8 किलोमीटर के बाहर कितने भी पॉपुलेशन हो कितना भी लोकल लिमिट के बाहर 12 किलोमीटर तेरह किलोमीटर तो कितने भी पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चरल लैंड मानी जाएगी तो ये एक सिस्टम बनाया गया है एग्रीकल्चरल लैंड का उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा अब ये आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना कोई कन्फ्यूज़न अराइज़ होगा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कहता है अच्छा दूसरी चीज़ ये ये जो दो किलोमीटर चार किलोमीटर छह किलोमीटर जो हम लोग नाप रहे हैं ये लोकल लिमिट से ये एरियल डिस्टेंस नापा जाता है एरियल डिस्टेंस मैं अगर कहूँ आपको अपने घर से एक शॉप के एक कीपर के यहाँ जाना है तो आप ऐसे गलियों से हो करके के यहाँ पहुँचते हैं ये पाँच किलोमीटर का रास्ता है आसमान से उड़ करके पहुंचते तो एक किलोमीटर में पहुंच जाते तो हम इस एक किलोमीटर की बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यानी आकाश से देखेंगे द वे इन विच अ बर्ड फ्लाइज ठीक है ना जिस तरह एक चिड़िया उड़ती है ना सीधा उसी तरह से बात कर रहे हैं तो आप ऐसे सड़कों के मोड़ दौड मत देखिएगा ऊपर कैंटोनमेंट बोर्ड और म्युनसिपल लिमिट के एकदम सीधा ऊपर से आकाश से देखेंगे ठीक है ना अच्छा कहता है शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ अ म्यूनसिपलिटी और कंट्रोन बोर्ड रेफर टू इन आइटम ए कहता है एक एरिया ए है एक किलोमीटर के अंदर है इस लिमिट के बाहर एक किलोमीटर के अंदर तो वहां की पॉपुलेशन दस हज़ार से अधिक होनी चाहिए अगर दस हज़ार से कम है तो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी क्या ये कैपिटल एसेट है नौ हज़ार तक नहीं हमें ये बतानी चाहिए ये बताना है कैपिटल एसेट है या कैपिटल गेन लगेगा या नहीं तो आपको वो जवाब देना है येस और नो डेढ़ किलोमीटर के अंदर है लोकल लिमिट्स के बाहर दो किलोमीटर के अंदर यानी डेढ़ किलोमीटर के अंदर पॉपुलेशन दस हजार से एक लाख के अंदर होनी चाहिए यस yes, दस हजार से एक लाख के अंदर है कैपिटल एसेट है एक है लिमिट है दो किलोमीटर है तो दस हजार से एक लाख के अंदर पॉपुलेशन होगी तो कैपिटल एसेट होगा यस अच्छा ज्यादा ही है डी तीन किलोमीटर है दो किलोमीटर यानी कि लोकल लिमिट से छ किलोमीटर के अंदर अगर है तीन किलोमीटर किस में जाएगा दो से ऊपर छह के अंदर छह के अंदर है तो एक लाख से दस लाख तक की पॉपुलेशन नहीं माना जाएगा एक लाख से ऊपर दस लाख तक की पॉपुलेशन होनी चाहिए नहीं है चार किलोमीटर वही तो एक से दस के अंदर यस कैपिटल एसेट है पांच किलोमीटर के अंदर एक से दस के अंदर होना चाहिए बारह लाख हाँ ज्यादा ही है छ किलोमीटर है छ किलोमीटर तो दो से छह वही एक लाख से दस लाख नहीं है सात किलोमीटर है छह लाख के बाहर आठ किलोमीटर तक दस लाख से ऊपर होनी चाहिए नहीं है दस लाख के ऊपर है मान लिया जाएगा नौ किलोमीटर आठ किलोमीटर के बाहर है तो भैया कितनी भी पॉपुलेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता दिस इज योर सॉल्यूशन ठीक है ना अब जो लिमिट्स के अंदर आएगी जगह जो विदिन लिमिट आएगी उसको हम आगे से नाम देंगे अर्बन लैंड और बियॉन्ड लिमिट में जा रही है यानी जिस पर टैक्स नहीं लग रहा उसको हम नाम देंगे एग्रीकल्चरल लैंड तो लिमिट आपको मैंने ये सारी बता दी है ये चीज याद रखनी है लिमिट का मतलब वो छह किलोमीटर नहीं ले लेंगे इन सारी लिमिट्स की बात हो रही है ये जो डेफिनेशन में दी है ये था आज का हमारा फर्स्ट सेशन कैपिटल गेन का जिसमें मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन सेक्शन फोर्टी फाइव वन बताया और कैपिटल ऐसे में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं क्या क्या चीजें शामिल नहीं होती और ज्वेलरी और एग्रीकल्चर लैंड दोनों की डेफिनेशन बता दी नेक्स्ट सेशन में हमारा स्टार्ट होगा ट्रांसफ़र की डेफिनेशन से अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहा दो ही चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है कैपिटल एसेट और दूसरा है एग्रीकल्चरल ट्रांसफ़र uh, की डेफिनेशन जैसे ही ये दो चीज़ें खत्म होंगी उसके बाद हम लोग बहुत तेज़ी से भागते हुए आगे चलेंगे भागते हुए जंप नहीं करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे तब तक, तक के लिए टाटा एंड बाय बाय थैंक यू थैंक यू